कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें कमियां होती हैं, वो परफेक्ट नहीं होती, ग्रेट नहीं होती, पर पता नहीं कैसे हमें पसंद आ जाती है। फार अवे ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस फिल्म है जिसकी लेंथ लगभग 1 घंटा 50 मिनट, यानी आपको इसे देखने के लिए एक ठीक ठाक सा टाइम तो देना ही होगा, जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं चलिए जानते हैं। तो ये कहानी है जैनब की, जो कि अपनी लाइफ को एंड होता और अपनी कुछ खास रिश्तों के बीच खुद को फंसा हुआ पाती है, जिनके लिए वो पूरा दिन काम करती है, जैसे अपनी बेटी, पति और पिता, इन तीनों के लिए वो पूरा दिन काम करती है, पर उनके लिए उसकी कुछ खास अहमियत नहीं है। और इसी बीच उसकी मदर के फ्यूनरल वाले दिन उसे पता चलता है एक आइलैंड पर लिए गए घर के बारे में, जो कि उसकी मदर ने लिया था। जैनब निकल पड़ती है उस घर को बेचने और एक तरह से खुशियां ढूंढने, जो कि अब उसे मिलती है या नहीं वो जानने के लिए आपको देखना होगा इस पूरी की पूरी फिल्म को, जो कि एक रोम कॉम फिल्म है। यानी जो लोग भी रोम कॉम फिल्म देखना पसंद करते हैं उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है, जिसमें हाँ कमियाँ हैं। फिल्म की कहानी पुरानी है, प्रिडिक्टेबल है, फिल्म का एंड कैसे होगा ये आप पहले समझ जाओगे, पर प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी तो थी कि आप स्टार्ट टू एंड तक तो नहीं, पर हाँ कुछ जगहों पर फिल्म को काफ़ी इंजॉय करोगे, खास करके थर्ड एक्ट, जहाँ पर ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा फनी फील होती है और कई सारी सिचुएशंस ऐसी थी जिसे फिल्म काफ़ी मेच्योरिटी के साथ प्रेजेंट करती है। पर वहीं अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एक्ट की और सेकंड एक्ट की, तो उसमें जो एक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं फिल्म में मिसिंग है, जिसमें माँ बेटी के रिलेशनशिप को ये फिल्म इतने अच्छे से डेवलप नहीं करती और ना ही अच्छे से प्रेजेंट करती, फिर चाहे मैं बात करूँ जैनब और उसकी बेटी की या फिर जैनब और उसकी मदर की, जिसके चलते थर्ड एक्ट में जो चेंजेस देखने मिलते हैं कैरेक्टर्स में वो कहीं ना कहीं उतने भी बिलीवेबल फील नहीं होते। वही बात करूँ फर्स्ट एक्ट की, तो उसमें जैनब और उसकी फैमिली के रिलेशनशिप और प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से दिखाया गया है उसे ये फिल्म और अच्छे से प्रेजेंट कर सकती थी, ताकि हम जैनब के कैरेक्टर से और कनेक्ट फील करते, जो कि कुछ ही जगहों पर होता है। वहीं बात करूँ एक और वीक पॉइंट की, तो वो है दोनों मेन लीड के बीच की केमिस्ट्री और डेवलपमेंट, जो कि फिल्म में ठीक ठाक है, पर एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी, खास करके नाओमी क्राउस की, जिन्होंने जैनब के कैरेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए बहुत अच्छे से दिखाया है कि कहाँ पर जैनब खुश है और कहाँ पर दुखी। पर वहीं अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन एवरेज था, क्योंकि आयरलैंड की जिस खूबसूरती की बात फिल्म में हो रही थी वो हमें कहीं भी देखने नहीं मिलती, क्योंकि लोकेशंस और जगहों को इतने अच्छे से एक्सप्लोर किया ही नहीं गया। बाकी फिल्म का बीजीएम एवरेज था और फिल्म की लेंथ भी, जो कि आपको कुछ जगहों पर फील होगी एक्चुअली फर्स्ट एक्ट और सेकेंड एक्ट में। तो ओवरऑल मेरी नज़र में फार अवे एक अबव एवरेज फिल्म है, जिसका थर्ड एक्ट बहुत ही बढ़िया है, पर ये पूरी की पूरी फिल्म नहीं, जिसे अब देखना ना देखना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर अपनी फैमिली के साथ नहीं, जिसे मैं दूंगा 2.5 स्टार्स। पर अगर आपने देख लिया तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।